नमस्ते, सत श्री अकाल। आप लोग सब खैरियत से होंगे और हमें यकीन है कि आप हमारे वीडियोस भी देख लोगे। आज हम लोग आपके लिए फूड ब्लॉग्स ही लेके आए। आज हम जाएंगे सुरपुरा डैम। जोधपुर में अभी एक नया एक हॉट ट्रेंडिंग एक प्लेस है जो कि काफी लोग वहाँ जा रहे हैं, सुरपुरा डैम। तो हमने कहा चलो हमारे जो व्यूज है उनको भी आज हम सुरपुरा डैम का पूरा नजारा कराएंगे। तो बस हमारी पूरी फैमिली वहाँ पे जाके हम लोग जहाँ पे हम जाएंगे वहाँ खाना तो बनेगा बनेगा, आपको पता ही है। अब हम लोग वहाँ जाके पूरा हमने सेटअप तैयार किया, देखिए हमारे ये इसके अंदर हमारा पूरा खाना पीने का इंतजाम है। वहां जाके हम लोग बड़े बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जो मेन जो फोकस रहेगा इस बार सुरपुरा डैम रहेगा। सुरपुरा डैम आपको बता दें, हम लोग लोकेशन में इसकी डिस्क्रिप्शन डाल देंगे ताकि आप आराम से नेविगेट कर सके। वैसे बन्नाड़ के आसपास, ये बन्नाड़ से अपन जब जाते हैं तो बन्नाड़ के आसपास सुरपुरा डैम आता है। तो चलिए सीधा वहां चलते हैं, सामान बदलते हैं, उसके बाद सुरपुरा डैम जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं यार? बहुत बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह। आए आप ब्लॉग में, बहुत दिनों बाद आए। कैसे सब? ठीक है, बढ़िया। बहुत बहुत मुबारक हुआ। नायब साहब ने भी क्रेटर भी लिए, नई व्हाइट कलर की, और माशाल्लाह बहुत जबरदस्त लग रही गाड़ी। चले भाई, चलो चलो सामान रखते अंदर। चलो नायब साहब, ये रखो यार, पानी आगे रख देंगे। नहीं, हमारा चूल्हा चला गया अंदर। ये क्या पड़ा इसमें? तेल तो आगे रखो, तेल को गिरेगा नीचे। चलो उसको पहले ले डाले। हाँ चल, बस परफेक्ट। चलो पानी सो पीछे। चलो मौसम अच्छा हो रहा है भाई, गर्मी बहुत है यार। यहाँ से हम लोग ये जो औटा जो सब्जी मंडी है उसका जो ब्रिज है वहाँ से हम लोग जाएंगे। वैसे आप मंडोर से भी जा सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ से जाएंगे। देखते हैं यहाँ से क्या पास से बढ़ेगा, मतलब दोनों जगह से आप जा सकते हो। सही है सब, आज अपन पे कर लेते हैं ये ब्लॉगिंग का। नहीं क्योंकि क्या है, आज हम लोगों ने सोचा कि खाना तो ही है, खाना का मामला नहीं, खाना तो हम लोग बनाएंगे बनाएंगे, लेकिन आज आपको सुरपुरा डैम भी दिखा देता हूँ। और काफ़ी लोग यहाँ पे जा रहे हैं जोधपुर में, जाके हम भी देखेंगे भाई सुरपुरा डैम में ऐसा क्या है, वहाँ पे बोटिंग भी होती है। चलिए सीधा। तो बस हम लोग यहाँ सुरपुरा डैम आए हुए थे। जैसे कि हमने कहा था कि आज हम लोग फूड ब्लॉगिंग नहीं करेंगे, आज हम लोग सिर्फ एक आपको बताएंगे कि जोधपुर के पास में सुरपुरा डैम अभी नया खुला है। तो मैंने कहा चलो, यहाँ पे पार्किंग की सुविधा भी है, आप देखिए हमारी गाड़ियाँ पड़ी है, तो आप यहाँ पे 20 रुपये में पार्किंग भी कर सकते हैं। ये जोधपुर से 15 किलोमीटर दूर है। चलिए अंदर चलते हैं और उसके बाद फिर हम लोग। ये देखिए आ गया सुरपुरा डैम, चलिए अंदर चलते हैं। चलो क्या बात है, मजा आ रहा है। क्या बनाएंगे? बड़े बनाएंगे अपन। नहीं चाय भी लेके आए क्या? हैं? अच्छा चलते हैं पीछे की तरफ, डैम है, हम लोग वहाँ जाएंगे और वहाँ चल के बात करेंगे। चलिए वॉक करना पड़ता है, थोड़ा आपको वॉक करना पड़ेगा, लेकिन मज़ा काफ़ी ज़बरदस्त आने वाला है। नहीं बहुत ज़ोरदार। चलिए देखिए आ गया सुरपुरा डैम में, हम लोग यहाँ आ चुके हैं। देखते हैं पानी कितना है यहाँ पे। सही पानी है, बहुत सारा है, क्या बात है यार, दिखा ना। अरे यार बहुत जबरदस्त है। तो इधर था, इधर मस्त है। नहीं डैम माशाल्लाह काफी जबरदस्त सवारी है और मजेदार वाला होने वाला मामला। क्या नायब साहब, क्या ख्याल है आपका? अभी गर्मी लग रही थी, अभी हवा जोरदार आ रही है, शानदार मस्त हवा यार। और ये भी नया टूरिस्ट हॉटस्पॉट है हमारे जोधपुर में। देखिए आप यहाँ पे बोटिंग भी कर सकते हैं और काफी सारा आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। कितना जबरदस्त बना हुआ है। तो चलिए बस आपको पूरा पास में लेके जाके दिखाते हैं। चलिए इधर क्योंकि ऐसा है ना, ये खुरदुरा असली। देखिए जोधपुर से 15-20 किलोमीटर दूर, ये देखिए अब आराम से। ये देखिए हम लोग बस अभी सुरपुरा डैम में हैं और ये
पूरा देखिए वॉकिंग का भी काफी जबरदस्त बना यार, यहाँ वॉकिंग करने का मजा ही कुछ और हो जाए। मेरे को लग रहा है 2-3 किलोमीटर का तो आराम से ही राउंड होगा, आराम से 2 किलोमीटर का तो हो गई होगा राउंड। चलिए ये देखिए हम लोग स्लोप पे, क्या बात है, मजा आ गया, मौसम एकदम अच्छा है और वाकई में बहुत ही जबरदस्त। ये देखिए पूरा डैम हम लोगों ने आपको दिखा दिया है, अब बस इंशाल्लाह रफ और लोग आ जाएंगे, फिर हम लोग यहाँ पे बड़े बनाएंगे और उसका भी क्लिप पूरा बनाएंगे, उसके बाद खत्म करेंगे। बहुत जबरदस्त लग रहा है, मौसम बहुत अच्छा है, वाह काफी जबरदस्त आ रही है। तो बस देखिए अब हमने आपको सूरपुरा डैम तो पूरा बता दिया, अब हम लोग तैयारी करें हमारे जो बड़े बनाएंगे। देखिए क्या अभी आलू हमारे शेफ आलू बना रहे, और ये मिर्ची और ये अम्मी बना रही बेसन, ये देखिए बेसन का बोल तैयार है, कढ़ाई तैयार है और तेल है इसमें, और ये हमारा स्टोव है और ये दाल खड़ा है ना, नहीं मजा आ रहा है, यहाँ पार्टी हो रही है और यहाँ पार्टी हो रही है। चलो बस उड़ा पे और सब लोग आ जाएंगे, फिर हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। देखिए तैयारी मेरी पड़ेगी और ये हमारा बेसन तैयार है, सब लोग करेंगे। नायब साहब भी काम में हाथ बता रहे हैं, और नायब साहब को कुकिंग का बहुत शौक है, क्या बेस बनाते नायब? नहीं ऐसे वो एक बटर चिकन बनाते ना, कौन सा वाला? हाँ असलम बटर चिकन तो नायब का फेवरेट है और जबरदस्त बनाता है, और मोमोज के भी बहुत शौक है नायब, नहीं मोमोज भी नायब बना लेता, अब की बार नायब की रेसिपी बनाएंगे एक बार। ये देखिए तैयार कर दिया हमने, अब इसमें तेल डालेंगे और यहाँ बड़े का आनंद लेंगे हम लोग इंशाल्लाह। चलो तेल गर्म होने देते, उसके बाद फिर आलू के बड़े क्या क्या है, मिर्ची के बड़े हैं, चटनी है, और बस रापे का हम लोग इंतजार करें, रापे आ जाए फिर हम लोग इंशाल्लाह। चलिए भैया स्टार्ट करते हैं हमारे बड़ा का प्रोग्राम, और देखिए यहाँ पीछे सूरपुरा डैम, और ये हम लोग बड़े ट्रैक बड़े बनाए, बस थोड़ा सा तेल गरम होने दो पहले, हमारे शेफ ने चेक किया कि तेल कैसे गरम है कि नहीं, नहीं क्या थोड़ा तेज कर देना इसको, बस हवा बहुत तेज है तो इसकी वजह से हमारा स्टोव क्या है कि पूरा प्रॉपरली जल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी तेल तो गरम हो ही है। अब यहाँ पे जब अपन कहीं पिकनिक पे आते हैं तो थोड़ा बहुत तो टेस्ट से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, लेकिन इंशाल्लाह अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम लोग टेस्ट से कॉम्प्रोमाइज़ भी करेंगे, लेकिन बनाना ज़रूर है, नहीं ये देखिए ये तैयार हो चुके हैं, और ये सूरपुरा डैम, और ये बड़ों के मामले और ज़्यादा अच्छा टेस्ट बढ़ जाता है। हाँ यही तो बात है, लेकिन ये माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त बनाना है, सही है ठीक है। चलो एक पाई हम लोग तैयार करते हैं, उसके बाद फिर ट्राई करेंगे। तो ये हमारा भुट्टा भी आ गया है, और पीछे बस यहाँ पर हम लोग एंजॉय कर रहे हैं यार, अभी सब भी आ चुके हैं। कैसे है यहाँ पे, जबरदस्त मौसम कैसा है, जबरदस्त लग रहा है, पहली बार ही आए हैं यहाँ पे, हाँ हाँ नई जगह हमारे लिए। तो और सबसे बड़ी बात हवा कितनी जबरदस्त आ रही है, हवा जबरदस्त है, मौसम भी एकदम सही है, ना बारिश है और ना ही गर्मी है, ये यार ये राफी साहब लेके आए बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह ऐसे मौसम में, और हमारे बड़े भी तैयार हो रहे हैं, देखिए ये देखिए चलिए खत्म करते हैं, काफी ज्यादा हवा तेज है तो उसके वजह से ये धीरे धीरे आंच बनेंगे, हमारा फर्स्ट पाया, उसके बाद फिर हम लोग बड़े भी खाएंगे, चाय भी पियेंगे, और फिर आगे साहब को पूरा इनका जो गार्डन बना है वो भी दिखाएंगे, उसके बाद फिर एंड में यहाँ पे जाके सबसे पहले बोटिंग की प्राइस भी पूछेंगे, क्योंकि अभी सब लोग आ गए हैं तो बोटिंग भी करेंगे और एंजॉय भी करेंगे। ये देखिए हमारा जो पहला जो पाया है वो तैयार हो चुका है, और मौसम बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त मौसम, इससे भी तेज नहीं होगी, हवा बहुत तेज चल रही है, इससे तेज नहीं होने वाला है। आलू के बड़े की बारी, प्याज के बड़े तैयार है, बस आलू के बड़े की, कितने सारे लोग आ चुके हैं देखिए, जैसे से शाम हो रही है वैसे वैसे और क्राउड यहाँ पे बढ़ रहा है, और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो काफी जबरदस्त है। एक पाई है
चलो सबसे पहले हम लोग ट्राई करते हैं हमारे उसके बड़े। हाँ मजा आ गया माशाल्लाह। क्या मजा आ गया बड़े के साथ साथ में सूरपुरा का व्यू क्या बात है। अभी जो भी हमारे जो भी सब्सक्राइबर है वो यहाँ पे जरूर आना चाहिए। जबरदस्त हवा है और ये एक नया टूरिस्ट स्पॉट है जो कि बहुत ही जबरदस्त है। सुकून चाहिए तो आप यहाँ पे जरूर आए। यहाँ पे गार्डन भी बना हुआ है, दो तीन चीज और है वहाँ पे भी हम लोग जाके दिखाएंगे अभी आपको, फिर वोटिंग का भी दिखाएंगे। ये देखिए बस ये हमारे आलू के बड़े भी तैयार हो गए हैं। क्या बात है मैं आप साहब, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ यार। हैं मजा आ रहा है भाई? क्या भाई ता किस्मा जैनब मजा आ रहा है? चलो वोटिंग करनी है अभी चलते हैं। ये देखिए तैयार है। लो लो भाई लो लो ले लेंगे इतने सारे ले लेंगे तो बहुत सारे हैं। वो ये किस्मा कहा ले ले भाई ले लो भाई मैप सब बना रहे अपना सैंडविच आलू के बड़े का सैंडविच नहीं। ये देखिए क्या बात है मैप सब मजा आ रहे हैं नहीं जोरदार जोरदार। बेस्ट प्लेस अभी जोधपुर में अगर आपको आना है तो यहाँ जरूर आए। ये मेरा सैंडविच तैयार है इसको ट्राई करते हैं। चलिए ब्रेड और आलू के बड़े ट्राई करते हैं। हम लोग जा रहे हैं बोटिंग का जो सेक्शन है वहाँ पे पता करेंगे क्या प्राइसेस है। फिर शाम को थोड़ी देर शाम हो जाएगी उसके बाद फिर हम लोग सब बड़े और सबसे जब फ्री हो जाएंगे उसके बाद फिर हम लोग वहाँ पे वोटिंग करेंगे इंशाल्लाह। चलिए ये देखिए यहाँ पे हम लोग हाँ यहाँ पे जेट स्की भी है देखिए तो अब यहाँ पे आराम से यहाँ पे वोटिंग भी कर सकते हैं हम लोग। थोड़ा शाम हो जाएगी उसके बाद फिर हम लोग वोटिंग करेंगे यहाँ पे इंशाल्लाह। ये देखिए काफी जबरदस्त है यार यहाँ पे आपको आना चाहिए और काफी जबरदस्त हवा भी यहाँ पे बहुत जबरदस्त आ रही है। तो चलिए थोड़ा वेट करते हैं थोड़ा शाम हो जाएगी उसके बाद फिर हम लोग इंशाल्लाह बोटिंग भी करेंगे यहाँ पे और इनकी लोकेशन हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आप आराम से नेविगेट कर सकें। ये देखिए यहाँ पे इनके प्राइसेस भी लगी हुई है और हम लोग शाम को करेंगे यार अभी तो बहुत दर्द। ये देखिए पूरी इनकी जो प्राइसेस है वो यहाँ पे लगी हुई है आप आराम से यहाँ पे इनके साथ आके वोटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों के उन्होंने खेलने के झूले बनाए हुए और वहाँ पे वो लोग क्या है कि पूरा गार्डन बना रहे हैं तो वहाँ पे भी इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। इस तरह जब पूरा गार्डन तैयार हो जाएगा तो काफ़ी ज़बरदस्त लगेगा। ठीक है इस तरफ ये जो लोकेशन हम डिस्क्रिप्शन डाल देंगे ताकि आप आराम से वो नेविगेट कर सकें क्योंकि यहाँ पे लोग गार्डन बना रहे हैं अभी तो गार्डन तैयार हुआ नहीं है तो उसके बाद एक बार जब गार्डन पूरा तैयार हो जाएगा तब इंशाल्लाह और ज़बरदस्त लगेगा। और यहाँ पे भी थोड़ा बहुत उन्होंने सब जगह अभी तक ये अंडर डेवलपमेंट है पूरा डेवलप हुआ नहीं है और जब ये पूरा डेवलप हो जाएगा तो इंशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे और भी ज़्यादा ठंड हवा अभी भी काफ़ी ज़बरदस्त हवा है और ये जब पेड़ पे पौधे और ज़्यादा जब इंक्रीज होंगे तो और यहाँ पे आपको एकदम फ्रेश एयर मिल जाएगी। तो चलिए बस पूरा आपको दिखा दिया हमने अब हम लोग बस सनसेट का वेट कर रहे हैं। सनसेट करेंगे या नहीं करेंगे वो पता नहीं बस चाय पिएंगे फिर एंड में जाके हम लोग वीडियो ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। हम लोगों ने यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया यहाँ पे हम लोगों ने बड़े बनाए हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक्स भी आप बारी हमारी चाय की है माशाल्लाह। और पीछे से आप नज़ारा देखिए अब जैसे जैसे सनसेट हो रहा है और ज़्यादा यहाँ पे अच्छा लग रहा है और सबसे बड़ी बात हवा बहुत ज़बरदस्त है। देखिए पीछे का जो व्यू है ना वो वाकई में काबिल तारीफ है। चलिए बस सनसेट का वेट करते हैं उसके बाद फिर हम लोग इंशाल्लाह जाके हमारा वीडियो ख़त्म करेंगे। हमने आपको दिखा दिया है ये देखिए पूरा आपको हमने खाना वाना सब वहाँ पे बना एक डैम और है यहाँ पे। चलिए सीधा यहाँ चलते हैं एक डैम आपको और दिखा देते हैं कि दो दो डैम यहाँ पे हैं और काफ़ी यहाँ से देखते हैं ना यहाँ से
एक डैम और, एक डैम का पूरा हमने वहाँ पे लिया। रफी साहब आ रहे पीछे, ये देखिए ये और बड़ा है, बराबर है हैं? लेकिन नीचे नहीं जाना है। ये देखिए ये एक और डैम यहाँ पे है, एक और यहाँ पे, दो डैम आपको हमने दिखा दिया सुरपुरा में। जा रहे थे वहाँ पे ज़्यादा भीड़ भड़ाका यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल सुकून है यहाँ पे, यहाँ पे भी आप आराम से आके बैठ सकते हैं। देखिए चलिए बस सनसेट का वेट करते हैं और यहाँ वीडियो ख़त्म करेंगे। तो ये लोकेशन पे आपको ज़रूर आना चाहिए, यहाँ पे तो वोटिंग भी स्टार्ट है और यहाँ पे तो चलिए बस यहाँ पे हम लोग हमारा वीडियो खत्म करते हैं। इंशाल्लाह जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी, सनसेट भी होने वाला है, लेकिन बस यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं, हमारे घर से बहुत दूर है तो हम लोग टाइम पे जाएंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग हमारा वीडियो खत्म करते हैं, इंशाल्लाह जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी। शादाब डॉग्स को देखते रहे और आपकी सेहत का ध्यान रखें, बिकॉज लाइफ इज अ गिफ्ट। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।